हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? जी हाँ, आज फिर से लाई हूँ आप सबके लिए एक और कहानी। और आज की कहानी का नाम है जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार की बात है, एक बार एक भक्त एक मंदिर में आया और उसने वहां पर भगवान की मूर्ति को बोलना शुरू किया कि भगवान जी, आप यहाँ बहुत ही दिनों से खड़े हुए हैं, आप थक चुके होंगे, आप मेरी जगह घूमने चले जाइए और आज का दिन मैं आपकी जगह खड़े हो लेता हूं, इससे आपको आराम भी मिल जाएगा। बार बार ये भक्त कहता रहा। उसके बाद भगवान ने भक्त को मना किया, लेकिन भक्त था कहां सुनने वाला था, बार बार एक ही रट लगाए हुए था। इसके बाद भगवान ने सोचा, चलो एक दिन ही तो है, बात मान ली जाए इसकी, क्या होगा। इसके बाद भगवान जाने लगे तो उन्होंने उससे कहा, लेकिन एक शर्त है, तुम केवल मेरी जगह पर खड़े रहोगे और आज के दिन में जो भी सेवक या भक्त यहाँ पर आएंगे, तुम केवल उनकी प्रार्थना सुनोगे, बोलोगे बिल्कुल भी नहीं और मन में भी किसी तरह का भी कोई प्रण नहीं करोगे कि उनकी इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं होंगी। मैंने सबके लिए पहले से ही अच्छे से सब तय किया हुआ है। उसके बाद सेवक ने तुरंत ही हामी भर दी और भगवान ने उस भक्त का रूप धारण किया और वो मंदिर से चले गए बाहर घूमने के लिए। और भक्त ने क्या किया, भगवान का रूप धारण करके वो उस जगह पर खड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, वहां पर एक बिजनेसमैन आया और उसने वहां पर प्रार्थना करनी शुरू करी भगवान को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। और ज्यादा वो कहने लगा, नतमस्तक होकर उनके चरण छूने लगा और जैसे ही वो चरण छू रहा था वहां पर उनका पर्स गिर गया। इसके बाद उसने पूजा की और वो वहां से तुरंत ही चला गया। थोड़ी देर के बाद ही वहां एक व्यक्ति आया, वो बहुत ही ज्यादा गरीब था, वो भी बैठकर पूजा करने लगा और भगवान से कहने लगा कि आज तो मेरे बच्चों के लिए घर पर खाना भी नहीं है, आप मुझ पर दया करें। इस तरह की वो प्रार्थना कर ही रहा था कि उसकी नजर एक पर्स पर पड़ी और उसने वो पर्स वहां से उठाया और वो अपने घर चला गया। थोड़ी देर के बाद वहां पर एक व्यक्ति और आया और वो व्यक्ति था नाविक। वो वहां पर प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, मैं 15 दिनों के लिए समुद्री यात्रा पर जा रहा हूं और आप मेरी यात्रा पूरी करना। इस तरह से वो व्यक्ति वहां से जाने ही वाला था कि ठीक उससे पहले जो बिजनेसमैन था वो पुलिस लेकर वहां पर आ गया और उसको लगा कि मेरा पर्स किसी ने चुराया है। वो शिकायत करते हुए वहां पर पहुंचा। जैसे ही वहां पर देखा, वहां पर नाविक को खड़े पाया और नाविक को पुलिस ले जा रही थी। लेकिन जैसे ही ये बात भक्त ने देखी, उससे रहा नहीं गया और उसने जो शर्त भगवान से मानी थी कि उसको चुप रहना है, उसको भी वो भूल चुका था और उसने बताया कि पर्स की चोरी तो नाविक ने नहीं की है, एक इससे पहले गरीब व्यक्ति आया था, उसने पर्स की चोरी की है, वो आपको यहीं कहीं आसपास ही दिख जाएगा। इसके बाद क्या था, उस व्यक्ति को ढूंढ लिया गया और उसको जेल में डाल दिया गया। थोड़ी देर के बाद भगवान का वहां आना हुआ। भक्त को लगा कि आज तो मैंने बड़ा अच्छा कार्य किया है, क्यों ना भगवान को बताया जाए। और उसने जो पहले घटना घटी थी वो सारी विस्तार सहित भगवान को बता दी। भगवान ने जैसे ही वो सुनी, वो अपना माथा पीटने लगे और उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें कुछ भी बोलना नहीं है, मैंने सबके लिए सब कुछ तय किया हुआ था, लेकिन तुमने तो सब गड़बड़ कर दी। भक्त ने जैसे ही ये बात सुनी, उसने कहा, आपने क्या तय किया हुआ था ये बताओ जरा आप मुझे, मैंने तो सच का साथ दिया है और वही ही बताया है। इस पर भगवान ने कहा कि जो बिजनेसमैन आया था वो गलत गलत कार्य करता है, अगर उसका पर्स भी गिर भी गया था, उसको पर्स नहीं भी मिलता, तो इसमें उसका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं था। दूसरी तरफ जो गरीब व्यक्ति आया था, अगर उसको वो पर्स मिल जाता तो उसके बेटे आज रात को, उसके जो घर के लोग थे वो आज रात को भूखे नहीं सोते। और जो तीसरा व्यक्ति आया था नाविक, वो 15 दिनों के लिए यात्रा पर जा रहा था, तो मैंने ये तय किया हुआ था कि पर्स के इल्जाम में वो आज की रात जेल में चला जाता और वो यात्रा ना जा पाता, क्योंकि यात्रा के वहां पर तूफान आने वाला है और उस व्यक्ति की वहां पर मृत्यु भी हो सकती है। तो इस तरह से तुमने सारा ही काम बिगाड़ दिया। तो देखा बच्चों और दोस्तों, इस कहानी से हमें भी छोटी सी एक सही लेकिन बहुत ही मजेदार प्यारी सी सही शिक्षा मिलती है
कि जो भी होता है वो हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। कई बार हमारे मन में भी आता है कि पता नहीं ये क्यों हो गया है, किस लिए हो गया है, और हम भी परेशान होने लगते हैं। यहां पर मैं स्पेशली विद्यार्थियों को कहना चाहूंगी कि कई बार उनके साथ भी बहुत ही ज्यादा पढ़कर चले जाते हैं, उसके बाद भी वो प्रश्न हल नहीं कर पाते हैं, अच्छे अंक हासिल नहीं कर पाते हैं। या मैं अगर बात करूं कि कुछ लोग बहुत मेहनत करके जाते हैं, उसके बाद भी उनको कोई नौकरी हासिल नहीं होती है और वो वहीं पर ही अपनी हिम्मत हार जाते हैं। आप कभी भी ना सोचें, अगर आपके आज अंक नहीं आए हैं, इसमें भी कुछ ना कुछ राज छिपा होगा। अगर आपको आज नौकरी नहीं मिली है, क्या पता कल और अच्छी नौकरी आपके लिए रखी हो। तो आप लोग कभी भी घबराएं नहीं, खुश रहें, सुरक्षित रहें, मेहनत करते रहें। और याद रखें, मेहनत का हमेशा फल मीठा होता है और ईश्वर ने सबके लिए कुछ ना कुछ सोचा होता है। उस पर विश्वास रखें और कुछ भी होता है उससे घबराएं नहीं, उससे एक सीख लें, जीवन में आगे बढ़ने का उसको एक कदम माने, सबक मांग लें। और हमेशा मन में रखें कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप सबको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो एक लाइक तो बनता है, और अगर आप कमेंट करना चाहें वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, अगर आप चाहें तो YouTube चैनल पर भी मेरी सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। आपको मैं अगले सप्ताह फिर से मिलूंगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें, मेरे साथ बने रहें। आपको फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।